राजनीति की हलचल से लेकर अब तहसील ब्लॉक जनपद के हर गांव की खबर को लेकर पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज। उज्जैन में केंद्रीय श्रम संगठनों और औद्योगिक फेडरेशनों के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी और श्रमिक ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है जो दो दिन चलेगी। वहीं बता दें सभी एकत्रित होकर टावर चौक से रैली के रूप में निकले। हड़ताल में बैंक, बीमा, बीएसएल, पोस्ट इनकम टैक्स, केंद्रीय कर्मचारी, सीटू, इंटक, अन्य संगठन शामिल हुए। वहीं महंगाई रोकने और वादा व्यापार बंद करने सभी मजदूरों को 18,000 न्यूनतम वेतन, स्थायी प्रकृति के काम में ठेकेदारी प्रथा बंद करने और आदि मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है जो दो दिन तक चलेगी। आयकर कर्मचारी महासंघ, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल, ये सब सभी सेंट्रल एक्साइज और ये सभी 10 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये विरोध बात अगर नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। कितने दिन की हड़ताल? अभी तो दो दिन की, 8-9 तारीख की रहेगी और अगर ये हमारी बात मांगे नहीं मानी गई तो हो सकता है कि आगामी में अनिश्चितकालीन हड़ताल लंबा चल। लगभग कितने कर्मचारी हैं? मतलब सारे कर्मचारी। आपका नाम बता? मैं हमारी न्यूनतम वेतन 18,000 किया जाए और ठेकेदारी प्रथा बंद किया जाए, आउटसोर्सिंग बंद किया जाए, इसी को लेकर आज हमारी हड़ताल है दो दिवसीय। मैं गुर्जर के साथ रुपेश तिवारी की रिपोर्ट, समय जगत। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश।